हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज हम लोग देखेंगे आपके पीजी सेमेस्टर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेके 2024 ईयर का। ओके, तो ये पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर 102। तो इस ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के इस पेपर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न ऑलरेडी पता है, ग्रुप ए में आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं, और एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स के। ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो 15 मार्क्स के होंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम दिया गया है, आपको उसके राइटर को बताना है। ओके, सो फर्स्ट इज लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ये बुक लिखा है एच जे लास्की, इट मीन्स हेराल्ड जे लास्की ने। सेकेंड इज पॉलिटिक्स एंड विजन, ये बुक लिखा है शेल्डन वोलिन ने। थर्ड इज एसे ऑन लिबर्टी, ये बुक लिखा है जे एस मिल ने। फोर्थ इज कॉम्युनिज्म, ये बुक लिखा है कार्ल मार्क्स ने, और ये बहुत ही पॉपुलर बुक रही थी कार्ल मार्क्स की। और लास्ट क्वेश्चन है यूटिलिटेरियनिज्म, इसे हिंदी में उपयोगितावाद भी कहा जाता है। हालांकि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, ये जो यूटिलिटी थ्योरी है, ये बेंथम की है, बट इस पे जो बुक लिखा है, ये बुक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, ये बुक लिखा है जे एस मिल ने। ओके, सो ये आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आते हैं। बुक्स दिया गया, आपको ऑथर का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन ग्रुप भी मैंने बताया था कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सो पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन किया गया है, अप्रोचेस से क्वेश्चन है, और इसमें आपको हिस्टोरिकल अप्रोच से क्वेश्चन दिया है। ओके, और इसमें आपको एक ऑप्शन भी दे रहा है, ये नहीं तो ये कर सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी लिखना है। तो आप या तो हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़े हो वो लिख सकते हो, या फिर बिहेवियर अप्रोच पढ़े हो तो वो लिख सकते हो। ओके, देन आपका ग्रुप बी, ये कंपलसरी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। देन हम लोग ग्रुप बी में जाते हैं। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस लॉन्ग दिए गए हैं जिसमें आपको 4 ही बनाने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स नेचर। आपको यहाँ पे लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग डेफिनेशंस को लिखोगे और इसका जो नेचर हो उसको डिस्कस करोगे। देन फाइंड द डिफरेंसेज बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैं देख रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताना है। तो आप इसके बीच में डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि जो व्यवहारवाद है क्या आया, उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद के बाद आता है, जैसा कि पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है वो बिहेवियरिज्म में करेक्शन, बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन किया गया था उसकी थ्योरी में, तब आपका पोस्ट बिहेवियरिज्म आया। जैसे कि बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो ये वैल्यू बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है, मूल्यों पर आधारित नहीं है, ये बेस्ड है आपका फैक्ट पे। ओके, फैक्चुअल चीज़ों पर बेस्ड है, जबकि पोस्ट बिहेवियरिज्म जो कहता है कि फैक्ट के साथ साथ हमें वैल्यू को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, वैल्यू पे भी ध्यान देना है। सो इस तरह का जो चीज़ है, आप यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स इसमें बनेंगे। अभी मैं आगे बढ़ जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था दृष्टिकोण पर आपको एक नोट लिखना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो कि सिस्टम अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी का अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच क्या होता है वो बताओगे, इसके कॉन्सेप्ट को बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद द व्यू टेकन बाय स्टेन एंड कोबान दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑन द डिक्लाइन, इफ सो डिस्कस द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। क्या आप स्टेन और कोबान के इस मंतव्य से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो रहा है, यदि हाँ तो ह्रास के कारणों का विवेचन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो पोर्शन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वहां से पूछा गया है, बिकॉज डेविड स्टर्न, ये जो स्टर्न है इसका पूरा नाम डेविड स्टर्न है, और जो कोबान है, इन दोनों ने पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन पे अपना विचार दिया है, तो वहां से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। आपके पास नोट्स है तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड, कैन इट बी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ वैल्यूज इन पॉलिटिकल साइंस।
यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, क्या यह राजनीति में मूल्यों के अध्ययन में उपयोगी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक मेथड जो है ये बिहेवियरिज्म के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म जो है वो वैल्यू बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, फैक्चुअल चीज़ों पर बेस्ड है। वहाँ पर साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को फॉलो वो लोग नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, थ्योरी होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको प्रूफ किया जाता है। तो अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू का स्टडी बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द आइडियाज ऑफ हेरोल्ड जे लास्की ऑन लिबर्टी। तो ये लिबर्टी जो आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन किया गया। आपको लिबर्टी में दो थ्योरी पढ़ना था, एक है हेरोल्ड जे लास्की का और एक है जे एस मिल का। तो हेरोल्ड जे लास्की से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि जे एस मिल का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी पे उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हेरोल्ड जे लास्की का भी आपके पास नोट्स वगैरह या बुक्स है तो आप उसमें से देख सकते हो। इस बार के लिए आप जे एस मिल के जो लिबर्टी पे विचार दिया गया उसको पढ़ सकते हो। ओके, सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी पेपर जो है 102 उसमें किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ गए हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।